गेस मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? गेस इस वक्त मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और मैं जा रही हूँ लखनऊ. एक्चुअली मेरा ऑफिशियल कुछ काम था सो इस वजह से मैं लखनऊ जा रही हूँ. और आपको पता है मैं काफ़ी सारे इस वक्त एयरपोर्ट काफ़ी सारे मतलब मैंने दो तीन एयरपोर्ट और दिखाए हैं, जैसे कि मैंने आपको लखनऊ का भी एयरपोर्ट दिखाया हुआ है और मैंने आपको हैदराबाद का एयरपोर्ट दिखाया और मैंने मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिखाया. तो इस वक्त मैं आज आपको इस अपने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ अंधेरी का इंटरनेशनल मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ये एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको इस वीडियो में जैसा कि आपको दिखाने वाली हूँ. और यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेशनल के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है और डोमेस्टिक के लिए अलग बना हुआ है. दोनों एक में ही हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मैंने आपको जो इस वीडियो में बना के दिखाया है, अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. जैसे ही आप गेट में एंटर करें वैसे ही राइट साइड में जो सेक्शन बने हुए हैं वो सब इंटरनेशनल के हैं और लेफ्ट साइड में जो हैं वो डोमेस्टिक के लिए हैं. तो मेरी जेट एयरवेज की फ़्लाइट है और इस वक्त मेरा एक्चुअली मेरी बोर्डिंग टाइम है 9:20 का. सो मैं अभी थोड़ा सा बैठ कर वेट कर रही हूँ. तो मैंने सोचा मैं आज अब तक आप लोगों से कुछ बात कर लेती. इस वक्त थोड़ा सा काम की वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो ऑफिशियल टूर पे निकली हूँ. तो चलो मैंने सोचा कि कुछ तो बना के दिखाऊँ आपको मैं. सो मैंने यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मैंने सोचा चलो ये एयरपोर्ट अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा इसका भी ब्लॉग आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ. तो मेरी जैसा कि मैंने बताया मेरे जेट एयरवेज की फ़्लाइट है और मैं इस वक्त वेट कर रही हूँ और मुझे गेट नंबर 65A से एंटर करना है, मतलब बोर्डिंग के लिए जाना है. हर एक एयरपोर्ट में काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, काफ़ी हर एक एयरपोर्ट में होता है, लेकिन यहाँ भी वैसे ही काफ़ी सारे शॉप्स हैं क्लॉथिंग से रिलेटेड, या फिर ज्वेलरी है, फुटवियर है, या फूड कोर्ट है, हर तरह के यहाँ पर आउटलेट्स बने हुए हैं. वैसे तो मेरा अभी थोड़ा सा कम जाना होता है, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ बताने की कोशिश करती हूँ. मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाती हूँ. और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं इसलिए हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की, ताकि जो जिनको इंग्लिश आती है उनको शायद मेरे व्लॉग ना अच्छे लगते हो, और तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश सीखने की. तो मैं ये वाला व्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना सकती थी इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी कुछ बताने के लिए है इसमें. तो मैं आपको बताती तो आप बोर हो जाते अगर इंग्लिश में बताती. सो अगर इन केस मैं कभी अपने ब्लॉग में इंग्लिश से वॉइस ओवर देती हूँ और वो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ हंसना मत मुझे, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली. सो प्लीज़ अगर मैं इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ हंसना मत. सो गाइस लेट्स मूव, मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और मेरा अनाउंसमेंट हो रहा है, सो मुझे जाना होगा. ओके बाय बाय.